गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी लास्ट क्लास में मुर्गी के उत्पाद के बारे में पढ़ा था और सबसे पहला जो उत्पाद पढ़ा था वो हमने मांस पढ़ा था, अर्थात हमने ये जाना था किस प्रकार मांस को निकाला जाता है और किस प्रकार उसको पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो हमारी जो क्लास हुई थी उसमें इसके बारे में हमने जाना था। आज की हमारी क्लास में सेकंड जो टॉपिक है मुर्गी के उत्पाद में वह है अंडा। देखिए, आपने अंडे को सामान्य देखा होगा, एक सफेद रंग का अंडा होता है जिसका जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ये ध्यान रखिए, अंडे का जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। इसका एक सिरा तो क्या होगा, हल्का सा नुकीला होता है, जबकि जो दूसरा सिरा होता है वह क्या होता है, आकार में चौड़ा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अंडा एक वृहत अंडा का संरचना होती है जिसका एक सिरा तो क्या होता है, थोड़ा नुकीला टाइप, जबकि दूसरा सिरा क्या होता है, चौड़ा होता है। अब देखिए, मुर्गी के अंडे में पित्तक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको अति पीतकी कहते हैं। अब देखिए, अपन ने योग के आधार पे, पित्त की मात्रा के आधार पे अंडों का सेकंड ईयर में अपन ने पढ़ा था, तो अपन ने जाना था कि अंडे सूक्ष्म पीतकी, अपीतकी और अति पीतकी प्रकार के होते हैं। अपीतकी का देखिए, पीतकी का मतलब पित्त उपस्थित, अ का मतलब अब्सेंट, ऐसा अंडा जिसमें पीतक अब्सेंट हो, सूक्ष्म का मतलब कम, अति का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार के अंडे को अति पीतकी अंडा कहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मुर्गी का जो अंडा होता है इसमें पीतक एक केंद्र के भाग में अधिक सांद्रित होता है, इकट्ठा रहता है, इसीलिए इसको गोलार्ध पीतकी भी कहते हैं। ध्यान रखिए, मुर्गी के अंडे में जो पीतक होता है वह एक भाग में अधिक सांद्रित होता है, इसीलिए इसको गोलार्ध पीतकी कहते हैं। अब देखिए, वह भाग अंडे का जहां पीतक सांद्रित रहता है, पीतक सांद्रित रह रहा है, उसे पादप ध्रुव कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं। देखिए, दो पोल होते हैं, पादप ध्रुव और जंतु ध्रुव। अब अंडे में पीतक जिस ओर सांद्रित रह रहा है उस पोर्शन को क्या कहते हैं, उस पोर्शन को कहते हैं पादप ध्रुव, जबकि दूसरा ध्रुव जिस ओर कोशिका द्रव्य या केंद्रक जिस ओर पीतक है वो अधिक सांद्रित होता है उस ध्रुव को पादप ध्रुव कहते हैं, जबकि जिस ओर केंद्रक या कोशिका द्रव्य सांद्रित होते हैं उस ध्रुव को जंतु ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, एक अंडे के सामान्य जो हम उनको देखते हैं, अंडे को तो हम देखते हैं उसका बाहरी कवच एक सफेद रंग का तथा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। अंडे का जो कवच होता है वह सफेद रंग का तथा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है तथा इस पर लगभग 7000 सूक्ष्म छिद्र होते हैं, लगभग 7000 सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब देखिए, इन छिद्रों का क्या कार्य है, इनको समझते हैं। देखिए, ये जो अंडा होता है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जानते हैं, जब हम इसको कृत्रिम उष्मायन देते हैं या मुर्गी इसको हीटिंग देती है तो क्या होता है, इसमें जो भ्रूण है वह क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब वो वृद्धि कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, देखिए, उसको आवश्यक पोषक पदार्थ तो एल्ब्यूमिन से उसको मिल रहे हैं, सफेदी से मिल रहे हैं, लेकिन साथ में उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के लिए जो मुख्य स्रोत होता है वो बाहर ताजी हवा होती है। अब अंडे के अंदर ऑक्सीजन आने के लिए यहाँ पर एयर स्पेस अर्थात अंडे के जो कवच होते हैं उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इसी छिद्र द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वह अंदर आती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ध्यान रखिए, अंडे का जो कवच होता है वो सफेद रंग का तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिस पर लगभग 7000 सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों की सहायता से शुद्ध ऑक्सीजन हवा अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। अब दूसरा आता है कवच झिल्लियां, सेल मेम्ब्रेन। देखिए, पहला तो क्या होता है कि कवच, सेकंड है कवच झिल्लियां।
अंडे के भीतर की ओर दो कवच झिल्लियां पाई जाती है। यह दोनों कवच झिल्लियां सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से सटी रहती है, अर्थात एक दूसरे से चिपकी हुई इस प्रकार से चलती है, एक दूसरे से सटी हुई चिपकी हुई चलती है, लेकिन चौड़े वाले हिस्से में आकर इन दोनों के मध्य एक सूक्ष्म अवकाश जिसे हम स्पेस कहते हैं रह जाता है। वापस रिवाइज कर रहा हूं, अंडे के अंदर की ओर दो बाह्य झिल्लियां। अब अंडे के जो कवच है उसमें बेसिकली क्या है, उसमें बेसिकली दो झिल्लियां पाई जाती है। यह दो झिल्लियां स्टार्टिंग से लेकर यहां तक तो क्या है, एक दूसरे से सटी हुई अर्थात बिल्कुल पास पास स्थित होती है, लेकिन जैसे ही ये चौड़ा वाला हिस्सा आता है इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक सूक्ष्म अवकाश स्पेस पाया जाता है जिसको हम एयर स्पेस कहते हैं। और यह दोनों झिल्लियां जो होती है वह भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करने में अर्थात श्वसन करने में सहायता करती है। अर्थात दो लेयर है, एक फर्स्ट फिर सेकंड, इन दोनों के मध्य जो एयर स्पेस है यह मुख्यतः अंडे को जो अंदर भ्रूण है उसको श्वसन करने में सहायता करती है। तो पहला क्या था, अंडे का कवच, दूसरा कवच झिल्लियां। अब तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्ब्यूमेन, या जिसको हम कॉमन भाषा में एल्ब्यूमन भी कहते हैं, या जिसको हम कॉमन भाषा में अंडे की सफेदी कहते हैं। तो एल्ब्यूमन को सामान्य भाषा में, अगर कॉमन भाषा में कहूं तो हम अंडे की सफेदी कहते हैं, एल्ब्यूमन, जिसको हम कॉमन भाषा में, अगर एक सामान्य भाषा में अंडे की सफेदी कहते हैं। और इस सफेदी में ध्यान रखना, इस अंडे के जो सफेदी होती है इसका जो मिक्सर होता है इसमें 100% की अगर मैं मानूं तो उसमें 85% जल और 15% ही प्रोटीन होता है। तो और ये सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखिए, इसका मुख्य कार्य जो होता है, एक तो भ्रूण है, जो भ्रूण है उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना, जल का संग्रहण करना और उसको पोषण प्रदान करना। तो एल्ब्यूमिन जिसे अंडे की सफेदी कहते हैं, तीन कार्य है, एक तो सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना, जल का संग्रहण करना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यह अंडे की सफेदी के मुख्य कार्य होते हैं। अब देखिए, जो अंडे की सफेदी होती है, एल्ब्यूमिन होते हैं, यह दो भागों से मिलकर बने होते हैं। इस एल्ब्यूमिन का जो बाहरी भाग होता है वह अंडाशय के इस थमस भाग से, ये ध्यान रखिएगा, अंडाशय के इस थमस भाग से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। और ये जो पोर्शन होता है ये बाह्य एल्ब्यूमिन होता है, यह तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और इसको हल्का एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। तो वापस रिवाइज करा रहा हूं, क्या कहा कि एल्ब्यूमिन होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। इसका बाहरी भाग जो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, जिसको तरल है इसीलिए हम उसको हल्का एल्ब्यूमिन कहते हैं, यह अंडाशय के इस थमस भाग द्वारा निर्मित होता है। अब जबकि दूसरा भाग एक जेली सदृश और अर्ध ठोस होता है, वह अंडाशय के मैग्नम भाग द्वारा निर्मित होता है। अब आता है एक छोटा सा प्रश्न, कैलाजा क्या होती है? देखिए, नामांकित चित्र मैंने बताया था, कैलाजा जो आप ये बीच में भ्रूण को देख रहे हैं, ब्लास्टोडर्म, इसमें आप ये दो सर्पिलाकार संरचनाएं देख रहे हैं जिसे कैलाजा कहते हैं। अब इस कैलाजा का एक नंबर का प्रश्न वैसे सेकंड ईयर में आता है, थर्ड ईयर में बता देना चाहता हूँ, ये जो कैलाजा होती है इसका मुख्य कार्य है जो भ्रूण है, जो कॉर्क बीम में ब्लास्टोडर्म है, इसको बिल्कुल केंद्र में बनाए रखना। अर्थात ये दोनों सर्पिलाकार तंतु है, इस संरचना को बिल्कुल केंद्र में बनाए रखने का, अर्थात केंद्र में बनाए रखने का कार्य करते हैं। और केंद्र के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, गोलार्ध पीति कहते हैं। तो कैलाजा का मुख्य कार्य क्या है, कैलाजा का मुख्य कार्य है जो कौरक बिंब है उसको मध्य में बनाए रखना। अब देखिए, वापस रिवाइज कर रहा हूं, सेल बाह्य कवच, आउटर थिक वाइट, बाहर की ओर थिक वाइट है, फिर थिक वाइट इनर भीतरी, योक पीतक, ब्लास्टोडर्म ऊपर की ओर, एयर स्पेस वायु गुहिका कहते हैं,
कैलाजा क्या कह रहे हैं, कैलाजा कह रहे हैं गोरख भीम को मध्य में बनाए रखना। अब पहला हमने पढ़ लिया कवच, दूसरा कवच झिलियां, तीसरा हमने पढ़ा एल्ब्यूमेन, चौथा आता है पीतक जिसको हम कॉमन भाषा में योक कहते हैं। अब देखिए योक क्या है, ब्लास्टोडिस्क के अतिरिक्त, ब्लास्टोडिस्क है, इसके अतिरिक्त जो पीतक होता है उसका निर्माण मुख्यतः अंडाशय से होता है। इसका जो मुख्य निर्माण है वह अंडाशय से होता है, यह एक ठोस पदार्थ रूप संरचना होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वह आता है कि अंडे का संगठन क्या क्या होता है, अर्थात अंडे के अंदर क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद में अंडों को हम कैसे रख सकते हैं। देखिए मुर्गी जब अंडा देती है तो बेसिकली क्या होता है, दो तरीके होते हैं, एक तो हिटिंग देकर उसमें से क्या हो चूजा बाहर निकले, एक दूसरा तरीका जैसे मुर्गी ने अंडा दिया उस अंडे को लेकर ट्रे में रखकर उसको मार्केट में बेचने के लिए उपयोग में लेना। अब क्या होता है कि अंडों को आपने इकट्ठा किया, अब उसको भी सुरक्षित रखना जरूरी, क्योंकि बार बार अंडों का उत्पादन तो हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं वो बहुत सारे अंडों का उत्पादन एक साथ करते हैं। अब अंडों का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन अगर उसकी खपत नहीं हो रही है, इसी खपत नहीं होने के कारण अगर खपत नहीं होगी तो क्या होगा, वह अंडे खराब हो जाएंगे, और खराब होने से बचाने के लिए अर्थात उनको अधिक समय तक संग्रहित रखने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। अब अपना पहला टॉपिक शुरू हो रहा है अंडे का संगठन, अर्थात अंडे के संगठन में क्या क्या मुख्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में, जैसे विटामिन, खनिज, एंजाइम, लौह आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंडे का संगठन, और अंडे के संगठन में पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं विटामिन। देखिए वैसे अंडे के, अंडे को बहुत अलग अलग तरीके से, अर्थात इसके एल्ब्यूमिन को अलग करके, सफेदी को अलग करके, या फिर इससे अंडे का पाउडर बनाकर, या इनसे बेबी फूड भी अलग अलग प्रकार के इनसे बनाए जाते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन विटामिन की सबसे बड़ी बात करें तो अंडा जो होता है वह विटामिन ए और विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत होता है। इसके साथ में इसमें राइबोफ्लेविन का भी क्या होता है, यह मुख्य स्रोत होता है। अब अंडे में ए भी है, विटामिन डी भी है और राइबोफ्लेविन भी है। इसके साथ में अंडे में सूक्ष्म मात्रा में विटामिन बी बारह भी उसमें उपस्थित होता है। इसका मतलब यह अंडे के जो मुख्य स्रोत है उसमें विटामिन उपस्थित है। अब ये ध्यान रखना, जब भी अंडे का स्टोरेज करते हैं उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अंडे में किसी प्रकार के विटामिन का ह्रास नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं कि उसमें से विटामिन धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि विशेषता यहाँ आती है कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में अंडों को रखना होता है तो कई बार वो अंडे से सफेदी को अलग करके फिर उसको अलग रखते हैं, उस कंडीशन में विटामिन का ह्रास नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सेकंड है एंजाइम, पहला हो गया विटामिन, दूसरा है एंजाइम। अब देखिए अंडे में विशेष तौर से एमाइलेज, डायस्टेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, एमाइलेज, अनेक प्रकार के आवश्यक विटामिन पाए जाते हैं। इसके साथ में इरेप्सिन जैसे भी क्या होते हैं, अनेक लाभदायक पदार्थ इस अंडे में मौजूद होते हैं, तो एंजाइम के रूप में भी क्या है, ये अंडा प्रचुर है। तीसरा है खनिज पदार्थ। देखिए अंडे में आवश्यक जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, जिंक, क्लोराइड, मैग्नीज, ये सभी आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं, जबकि सूक्ष्म मात्रा में लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मॉलिब्डेनम,
ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। और देखिए अंडे के में जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इसमें वर्णक, अंडे में कैरोटीनाइड वर्णक उपस्थित होता है। नेक्स्ट है पिगमेंट्स, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं वर्णक। तो वर्णक के रूप में क्या है कि वर्णक के रूप में अंडे में कैरोटीनॉइड, ल्यूटीन आदि वर्णक उपस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ल्यूटीन और कैरोटीनॉइड वर्णक क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। अब आता है नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वह होता है प्रोटीन। अब देखिए अंडे में हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अंडे में कुल प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह 12% होती है। अर्थात प्रोटीन होता है अंडे के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कुल मात्रा जो होती है वह 12% होती है और इसमें से 65% सफेदी होती है। 12% में से 12% का 65% भाग, अर्थात जो कुल 12% है, इस 12% का 65% भाग है जो तो क्या है, सफेदी है। और शेष भाग मतलब 35% क्या होता है, प्रोटीन पित्त के रूप में उपस्थित होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अंडे के अंदर प्रोटीन जो होता है वो 12% होता है, इस 12% का 65% भाग तो क्या है, सफेदी है, जबकि शेष 35% जो भाग है वह क्या होता है, वह पित्त के रूप में उपस्थित होता है। अब देखिए सामान्यतः अंडे के अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में A1, A2 और A3 से विभाजित करते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट पॉइंट आ रहा है वह आ रहा है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए अंडे के पीतक में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मुख्य भाग होता है, वह शर्करा या ग्लूकोज के रूप में, शर्करा या ग्लूकोज के रूप में यह उपस्थित होता है। और ग्लूकोज पित्त की सफेदी पोर्शन में, ग्लूकोज जो होता है वह सफेदी पोर्शन में क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ ही अंडे के में जो फैट की मात्रा होती है वह 30-35% और वसा कितनी होती है, 30-35% होती है। अब आता है प्रश्न कि अंडों को कैसे इकट्ठा किया जाता है। देखिए ये तो हमने संगठन पढ़ लिया, अब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह आता है अंडों की सफाई करना। अब सफाई क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। अंडों की सफाई करना, देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, अंडों की सफाई क्या होती है। देखिए जब भी मुर्गी अंडा देती है वह क्या होता है कि अंडा, उसमें कई एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, वह क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। अब इस एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या करता है, गर्म पानी से धोकर हटाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया उस अंडे को धोया जाता है, धोके उसमें से क्या होता है, अतिरिक्त जो मटेरियल है या टूटे हुए अंडे हैं या कोई ऐसा अंडा जिसमें कुछ अलग मटेरियल लगा हुआ है उनको धोया जाता है, इसे ही अंडों की सफाई कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अंडों को गर्म जल में हल्का सा धोया जाता है। जब हम अंडा देखते हैं मार्केट में तो बिल्कुल सफेद कलर का होता है। तो कहने का मतलब उस अंडा जो मुर्गी देती है उसमें कई अतिरिक्त जैसे तरल पदार्थ चिपके हुए रहते हैं, उनको साफ करने के लिए उनको गर्म पानी में धोया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडों की सफाई करना। अब जो इससे आगे की टॉपिक है अब वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।